मुझे ऐसी फिल्मों में काम करना चाहिए। क्योंकि मैं होमी को बहुत पहले से जानता हूँ, आई नो व्हाट हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज लाइक एंड इट्स समथिंग दैट आई रियली रियली एंजॉय। तो और उसकी फिल्म के प्रोमोज में मुझे वो नजर आ रहा है दैट स्लाइटली ऑफबीट स्टाइल ऑफ ह्यूमर। फिल्म की बात करें तो फिल्म में काफ़ी उम्दा कलाकार है, दीपिका है, अर्जुन है, नसीर जी है, डिंपल कपाड़िया जी, क्या कहेंगे उनके परफॉर्मेंस के? देखिए, आप किसी भी फिल्म वाले से बात करें, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो आपको यही बताएंगे कि आप जितने अलग अलग कलाकारों को मिक्स करके स्क्रीन पर लाएं उतना ज़्यादा मज़ा आता है काम करते वक्त, और ऑडियंस को भी। सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू गेट एक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन। नसीर साहब और पंकज कपूर जैसे इतने टैलेंटेड सीनियर एक्टर्स हैं, यू गॉट गाइज लाइक दीपिका एंड अर्जुन हु आर वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइंड। आई थिंक उसका मिक्स बड़ा अच्छा होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। अच्छा, आखिर मैं जानना चाहूँगा क्या लगता है पोस्टर पे से किस तरह की फिल्म होगी? यार पोस्टर का तो कुछ कह नहीं सकता, बट आई विल टेल यू हेलो जीनो बाय फैनियस। आई थिंक आई फाउंड इट, फिल्म बिल्कुल ऐसी होगी। फिल्म बिल्कुल ऐसी होगी, ये देखिए आपको रियल लाइफ ट्रेलर मिली है। थैंक यू सो मच। इसके बहुत अच्छे लगे मुझे, और हमारी स्टूडेंट है दीपिका इसमें, और उसके हमेशा मैं हमें चाहता हूँ कि वो और तरक्की करे। मेरे पसंदीदा एक्टर्स भी हैं, नसीर साहब हैं, पंकज जी हैं, डिम्पल हैं, और ये महाशय हैं, कुछ भी हो सकता है, और फिर ये एज यू सेड कुछ भी हो सकता है। तो इसी ये उम्मीदें हैं सब फिल्म से। अच्छी हैं इनकी फिल्में, मुझे हमेशा अच्छी लगी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी बहुत अच्छी होगी। मैं तो हूँ ना पिक्चर में, मैं तो देखूँगा ना। दरअसल आज मेरी बहुत एक खास आंट आई है पिक्चर देखने, तो आई हैव जस्ट कम टू सी इफ शी इज़ कम्फर्टेबल एंड व्हाट नॉट। आई सॉ द मूवी एंड लास्ट टाइम आई कम लेट, तो पिछली बार मेरा जो कैमियो है फिल्म में वो मैंने देखा नहीं, तो मैं अभी देख के आया, काफ़ी मज़ेदार है। तो आज मेरी आंट आई हैं, तो उनको उनकी देख रेख करने में आया। सबको क्योंकि इट्स एन ऑनसॉम फिल्म, यू नो एवरी वन इज पुट इन सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, हर किसी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। यू नो इट वॉज जस्ट It's a non-stop entertainer. But the one I am proud of the most is Arjun Kapoor, who's done such a wonderful job. You know, it's such a brave maneuver. They want bites. Love bites. क्या खड़ी की थी, मतलब प्रॉब्लम्स खड़ी की थी। अच्छा, ये वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। अभी भी फिलहाल एक और प्रॉब्लम आई है, फैनी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि एक वल्गर है। यार मुझे नहीं पता है ये सब चीजों के बारे में, नहीं इट्स जस्ट एक्चुअली इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड एंटरटेनिंग लाइट एंड फन फिल्म, ज़्यादा इंटेंस नहीं है। इट्स गॉट अ लॉट ऑफ हार्ट, बहुत ही क्लीन फिल्म है मेरे हिसाब से। तो आई डोंट नो व्हाट इश्यूज द सेंसर बोर्ड हैज, बट आई होप दे गेट क्लियर्ड आउट। इट्स फैंटास्टिक, इट्स फैंटास्टिक। इट्स एक्चुअली द केमिस्ट्री इन द होल ऑनसॉम इज सुपर्ब, बिकॉज ऑनसॉम, अभी मैं भी एक ऑनसॉम फिल्म कर रहा हूँ दिल धड़कने दो, तो मुझे पता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी वन टू कम टुगेदर एंड यू नो इन हार्मनी परफॉर्म टुगेदर टू मेक अ गुड वॉच। यू नो द केमिस्ट्री हैज़ टू बी गुड बिटवीन ऑल द परफॉर्मर्स, एंड आई थिंक इंडिविजुअली भी सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है इस
फिल्म में और स्टैंड अलोन परफॉर्मेंसेज बट टुगेदर द एंसेंबल जस्ट क्रिएट्स अ मेमोरेबल फिल्म रियली. मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने देखी. हाँ एक्चुअली मेरे खास मित्र ने मेरा स्टाइल क्रिटिसाइज किया तो उसको दिखाने के लिए वो मैं बताऊंगा आपको अगली बार. अच्छा रणवीर अभी देवानंद जैसे थोड़े लग रहे हैं. पहली चरणी का बर्थडे है, किस तरह विश करना चाहेंगे कुछ विशेष आपके लिए? आई माई सिंसियर थैंक्स टू हिम फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज मेड टू द आर्ट्स टू प्रोग्रेसिंग आवर फिल्म इंडस्ट्री द मेमोरेबल फिल्म द सॉन्ग्स जस्ट हिज होल पर्सोना हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज यू नो इमेंस एंड गाता रहे मेरा दिल. थैंक यू. यार जैसे ही आए वी वॉन्टेड टू मेक श्योर ही गेट्स इन ताकि पिक्चर शुरू हो सके. ही इज द मोस्ट पंक्चुअल मैन आई हैव मेट इन दिस इंडस्ट्री. That's why हम इतनी जल्दी में थे जब हम वहाँ से निकले because we cannot be late for a screening where we've invited them. बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने कीमती समय निकाल के आते हैं ताकि हमारी फिल्म को प्रोत्साहन मिल सके. I think it's something unique as a film, so it's good that he's taken our time to come and watch it. वो गुंडे के लिए भी आए थे, उन्होंने जब इशकजादे देखी थी मुझे लेटर भेजा था, फ़ोन भी किया था. तो अच्छा लगता है when somebody so senior takes our time to encourage new talent and all kinds of cinema. बहुत अच्छा लगता है. जी जहाँ तक मुझे अंदाजा है, जहाँ तक मुझे फॉक्स और डीनू हमारे प्रोड्यूसर ने बताया तो PIL अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इज नॉट बीन हेल्ड अप इन द कोर्ट एंड इट्स नॉट आवर प्लेस इन ज्यूरिसडिक्शन एज एक्टर्स टू स्पीक अबाउट दीज मैटर्स व्हेन इट्स इन कोर्ट. सो आई एम श्योर आवर लॉ विल कम अप विद द एमिकेबल सॉल्यूशन टू अपीज एवरीबॉडी. देखिए फैनी इज एन अब्रीविएशन फॉर स्टेफनी सो द कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो इज रेलिवेंट. मुझे बाकी डिटेल्स नहीं पता एंड इट्स नॉट माई डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे. वी आर जस्ट एक्टर्स परफॉर्मिंग इन द फिल्म. इट्स देयर इज अ बिगर पिक्चर टू इट. देयर आर प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दे विल टेक द कॉल दैट इज राइट फॉर द फिल्म. आखिरी सवाल, कश्मीर में आपने देखा होगा टेलीविजन. जी बिल्कुल जी बिल्कुल. मेरे खुद के एक दोस्त है शकुन बत्रा जो एक में और एक तू के डायरेक्टर हैं. वो वह छुट्टी मतलब शादी के लिए गए थे और ये बाढ़ आ गई. तो जी वी आर इक्वल. आई मीन एवरीबडी इन सम वे दी अदर्स कनेक्टेड. हम सब के कोई ना कोई लोग कहीं ना कहीं जाते रहते हैं. तो इवन आई एम एप्रिहेंसिव. जैसे करण मुझे अभी झलक के सेट पर बता रहे थे, उन्होंने बात की है शकुन से. वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे लैंडलाइन तक नहीं है. तो बेसिक अमेनिटीज़ की प्रॉब्लम चल रही है. इमरान से भी बात कर रहा था फ़ोन पे जब वो इस तरफ आ रहे थे. ही इज़ ऑन हिज ओन. ही इज़ मेड श्योर दैट ही सेंट अमेनिटीज़ थ्रू वट एवर वे पॉसिबल. तो इट्स अ टेस्टिंग टाइम फॉर द कंट्री. इट्स अ टेस्टिंग टाइम फॉर द पीपल एंड ऑल आर विशेज आर देयर इन एनी विच वे दैट वी कैन हेल्प वी आर प्रोवाइडिंग. जैसे आज वारुण का भी मैसेज आया था, मैं प्रमोशन के दौरान उसका मैसेज आया था. ही इज़ ट्वीटेड समथिंग वे यू कैन मेक द एफर्ट टू हेल्प. And I retweeted that. So yeah, I'm hoping and praying that our army continues the great work that they're doing and they bring peace and happiness back to the place. So what do you say about the Narendra Modi work? Has he? So finding Fani ki baat kare to mujhe bahut maza aaya finding Fani banate. Thank you. तो मतलब फिल्म के बाद होगी. आई एम वेरी हैप्पी कि वो आज यहाँ आए हैं. एंड फिलहाल हम एक फिर वी आर मेकिंग अ फिल्म टुगेदर पीकू. एंड या सो वी वर्किंग टुगेदर राइट नाउ. एंड तो इसलिए बुलाया मैंने, जैसे मैंने सबको बुलाया. एंड ही वॉज़ वेरी वेरी ग्रेशियस. और मैंने कल बुलाया था, आज उन्होंने हाँ कह दिया. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ही इज़ अग्रीड टू बी हियर. आई होप ही एन्जॉयज द मूवी. बस व्हाट आर यू सेइंग. कश्मीरी जिस तरह से थर्ड आया है, दीपिका क्या कहना चाहेंगे उन लोगों ने जो अभी भी घरों में फंसे हुए हैं? जी शायद मैंने कंट्रीब्यूट किया है और मैं सबको यही कहूंगी कि जितना हो सके हमको हेल्प करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए. जो हुआ है ऑब्वियसली हमारी कंट्रोल में नहीं है. आई थिंक वी कैन ओनली प्रे टू गॉड एंड होप दैट एज मैनी पीपल आर रेस्क्यूड एंड वी शुड ट्राई एंड हेल्प एंड सपोर्ट एज मच एज पॉसिबल. उन कमांडोज के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन में हम हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं हम उनका ज़्यादा तारीफ नहीं करते. करनी चाहिए. एंड जस्ट लाइक द आर्मी यू नो आई थिंक एवरी नाइट वी गेट टू स्लीप पीसफुली बिकॉज ऑफ द आर्मी द नेवी द एयरफोर्स बिकॉज दे कीप अस सेफ दे कीप अस प्रोटेक्टेड. एंड बट आई डोंट वॉन्ट टू ड्वेल ऑन इट टू मच. जो हो रहा है अच्छा नहीं है. एंड आई जस्ट प्रे फॉर ऑल द फैमिलीज़.
राइट नाउ. उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो चाहते हैं मदद करना, जो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन लोगों को मदद करने के लिए? अब फिजिकली तो ऑब्वियसली कोई जा नहीं सकता, बट बहुत सारे हेल्पलाइंस हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी हेल्प कर रहे हैं. सो विच एवर वन यू चूज टू, आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और हेल्प कीजिए. थैंक यू. There's, I mean, there's nothing to react. I was asked something earlier in a press conference just now, and I'm not aware of it actually. So I don't think it's right for me to comment on something that I'm not aware of. I mean, I think Ramlila ke vakt bhi yehi hua tha, and everyone who filed a PIL against us lost the case eventually. The point is, hum aisi cheezon ko sensationalize kyun karte hain? Ek film ko context mein dekhiye. Whatever the words are, whatever the scenes are, usko isolate karke mat dekhiye. Watch it in context, and then after watching the film, if you have an issue, we are more than happy to discuss it or to address your issues. But don't bring up issues without knowing what the context of the story is or what the context of whatever the issue might be. It's too soon to be talking about it right now. Jab wo aayenge, aap unhi se puchhiye. Thank you. Thank you. It's a delightful film, and I thoroughly enjoyed it. And both these, what do I say, I mean, they're just so natural and so beautifully done. And where is Omi? Omi's running. We rarely get to see something like this, and I'm so, so honored to be here today. So what was the good thing about the movie? Sorry? What was the good thing about the movie? Go and see it, yeah. I mean, there are so many good things. It'll take an hour for me to describe, but it's really beautiful. Amit ji, thank you. Amit ji, इस तरह की फिल्में देखके क्या inspiration मिलती है आपको आज के time? मुझे लगता है कि मुझे ऐसी फिल्मों में काम करना चाहिए. Amit ji, तो अर्जुन के साथ काम करें. Thank you. Amit ji, would you like to?